पूरे दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड अपना कहर बरपा रही है, लेकिन ऐसे में साइबर सिटी गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल के बाहर एक अज्ञात युवक की देर रात मौत हो गई, जिसको देखकर शुरुआती जांच में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौत ठंड के कारण हुई है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर रैन बसेरे की संख्या गुरुग्राम में दुरुस्त होती तो शायद एक मजदूर तबके के युवक की इस तरह से जान नहीं जाती। सूरज कुमार, सूरज जी क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, कैसे जानकारी मिली आप? हम इधर से पैदल घूम रहे थे तो हमने यहाँ से देखा तो एक डेड बॉडी पड़ी थी, हमने 112 पे कॉल की, फिर एक पुलिस वाले आए। किस अवस्था में ली है बॉडी आपको? ये सर्दी में अकड़ा हुआ है, बिल्कुल अकड़ा हुआ है। तो क्या प्रथम क्या लगता है आपको, सर्दी से? सर्दी के कारण ही मरा हुआ। आसपास को रैन बसेरा भी है? नहीं नहीं, यहाँ कोई रैन बसेरा नहीं है, बेचारे बिहारी भी है, ऐसे ही पार्क में ही पड़े रहते हैं, रैन बसेरा कोई भी नहीं। ठीक जी, अपना नवीन। नवीन जी क्या कुछ जानकारी आपको मिली, क्या कुछ घटना यहाँ पर हुई है? सर यहाँ से अभी आ रहा था ना, जैसे तो यहाँ पे बंदा हमें डेड पड़ा हुआ दिखा, तो हमने इलाके भी देखा इसको, तो हाथ पे खुली हुई है, मुँह खुला हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जी। तो काफ़ी देर से हमने वेट भी करा, काफ़ी कोशिश करी तो डेड ही है। किस अवस्था में मिला आपको ये आंकड़ा हुआ था? सर्दी की वजह से। सर्दी की वजह से? हाँ जी। तो आसपास को शराब वराब की बोतलें मिली है इसमें? नहीं, आसपास शराब की बोतलें तो नहीं मिली। तो पुलिस को कैसे सूचना दी आपने? हमने देखा तो फिर हमने कॉल करी है, 12 पे भी कॉल करी है, थाने में भी कॉल करी है।